हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो वाउचर नंबर होता है उस वाउचर नंबर को हम किस तरह से मॉडिफाई करें और फिक्स करें कि जब भी हम एंट्री चेंज करें तो 1 2 3 4 सीरियल नंबर की तरह से वो बदलता रहे। तो आइए चलते हैं, ओपन करते हैं टैली। यहाँ प्रॉपर लिखा है इस तरह से, GST 1 कंपनी का नाम था, ABC/001 इस तरह से ऊपर लिखा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम जाते हैं स्टेप बाय स्टेप देखना, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, लेजर नहीं, वाउचर टाइप क्रिएट नहीं, अल्टर। अल्टर के बाद हम किस में क्या करना चाहते हैं, हम सेल्स का जो वाउचर है उसे हम बदलना चाहते हैं। ये ऑटोमेटिक है, इसको हम ऑटोमेटिक मैनुअल मल्टी तो मैनुअल कर देंगे। इसको मैनुअल करने के बाद हम इसको यस कर देंगे, टिक नंबर ही रहने देना है। यहाँ भी कुछ नहीं करना आपको, 1 अप्रैल 2023 एक स्टार्टिंग नंबर एक, ठीक है। अब आप चाहते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 जहाँ डेट डाल दी, अब यहाँ आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है जो फर्स्ट आपको आगे लाना था। तो फर्स्ट क्या लाना था, GST, ठीक है। और पीछे क्या लाना था, पीछे भी अभी GST 1 हो गया ये, ऑब्लिक ABC, ये हमारे को आगे लाना है। अब पीछे क्या लाना है, पीछे के लिए 2023, अब पीछे हमें लिखना है 23 24, ये आएगा। लेकिन अभी हमारे को क्या करना था, आगे इसके 0 भी लाना था, तो 1 2 0, 2 0 लाना है। तो इस तरह से हम 2 0, अब इसको हम एक्सेप्ट कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। तो अब हम करेंगे Ctrl V, और ये देखिए इस तरह से ये हमारा आ गया है, GST ABC/001/23/24। अब हम इसको मान लेते हैं, फिर एंट्री कर देते हैं कैश में ही, एक एग्जांपल के लिए यहाँ लेजर बनाना पड़ेगा। तो हम ऐसे ही कैश की एंट्री कर देते हैं, 1 रुपये के हिसाब से 2 2, लेजर को बनाया नहीं, ऐसे बना देते हैं उमेश चंडी क्रिएटर। सेल लेजर मांग रहा है, सेल लेजर बनाना पड़ेगा, सेल लेजर, सेल IGST@18% सेल, सेल अकाउंट आइटम करना नहीं है यहाँ पे, सेल की 1। और एक एग्जाम्पल एंट्री बता रहा हूँ मैं आपको, जिससे कि आप देख सको कि यहाँ पे 2 आ गया है। तो इस तरह से आप अपना वाउचर नंबर को बदल के एक परमानेंट वाउचर नंबर कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बार बार आपको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक्स मेरी।